नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। रविवार को बुडापेस्ट में विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर चोपड़ा ने भारतीयों का गौरव सम्मानित होने का एक और मौका दिया है। नीरज चोपड़ा की एक ही समय में ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। बिंद्रा ने 23 वर्ष की उम्र में विश्व चैंपियनशिप और 25 की उम्र में ओलंपिक स्वर्ण जीता था। वह कम से कम 2 ओलंपिक और 2 विश्व चैंपियनशिप और खेल सकते हैं। जीत के पल को बयां करते हुए नीरज चोपड़ा ने कहा, मेरे आंखों से आंसू तो नहीं आए, मेरे अंकल और दोस्त वहां थे, उनके आंसू छलके। मुझे लगा कि इमोशनल हो जाऊंगा लेकिन मेरे आंसू नहीं आए। आगे देखते हैं, हालांकि मैं इमोशनल थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता हूँ। ये उत्साह का मौका होता है और जोश बहुत ज्यादा होता है और इसलिए आंसू आ जाते हैं। आगे अच्छा थ्रो करूंगा और फिर सब साथ रोएंगे। 25 वर्ष के चोपड़ा ने पहला प्रयास फाउल रहने के बाद दूसरे में आज का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका। चोपड़ा ने फाउल के साथ शुरू किया लेकिन दूसरे प्रयास में बढ़त बनाई जो अंत तक कायम रही। पाकिस्तान के नदीम भी तीसरे दौर के बाद दूसरे स्थान पर आ गए और आखिर में पहले 2 स्थान इन्हीं दोनों को मिले।